मथुरा में कल रात से हो रही लगातार बारिश ने मथुरा नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। लगातार हुई बारिश से चारों तरफ जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। मथुरा में भगवान इंद्र की ऐसी कृपा बरसी कि जिस तरफ देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। मथुरा के प्रमुख मार्ग नए बस स्टैंड के निकट पुल के नीचे जलभराव होने के कारण आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस जलभराव में एक स्कूली बस फंस गई, जिसमें कुछ स्कूली बच्चे बैठे हुए थे। स्कूली बस में फंसे बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से निकाला गया है। और वहीं एक एम्बुलेंस भी इस जलभराव में साफ दिखाई दे रही है। मथुरा नगर निगम प्रशासन जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए नाकाम साबित हो रहा है। यह कोई पहली बार नहीं है कि मथुरा में हर बार होने वाली बारिश में चारों तरफ जलभराव से आम जनमानस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा में चारों तरफ जलभराव देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं शहर में बाढ़ आ गई है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। फोन किया सचिन को, एलटी सर को, तो एलटी सर ने, सचिन सर ने यह कह दिया बारिश हो रही तो क्या हुआ, ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी, लोग आएगी, समझ रहे हो, गाड़ी हाईवे होके आएगी, लेकिन ये लोग कहते नहीं डीजल बचाओ तो तुम्हें गाड़ी सीमा ऑफिस में खड़ी करने को देंगे, वरना गाड़ी भी दूर खड़ी होगी छाता पे जाके। एम्बुलेंस दवाइयाँ सर, मेडिसिन है, अब दिखा नहीं, आप कैसे घुस गए पानी में? जलभराव था, दिखा था सर, गाड़ी निकल चुकी थी लेकिन आगे बस खड़ी थी, इसी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा था, तभी पानी भर गया गाड़ी में। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र जी, अंदर पास में अभी बस फंसी हुई थी। जी सर। किस स्कूल की बस थी? राजीव इंटरनेशनल स्कूल की थी, और अचानक से एकदम पानी आ चुका जी, तो बस वहाँ फंस गई, प्रशासन की कोई मदद नहीं। प्रशासन की, आपने फोन वगैरह किए थे? एक्चुअली सर हमने कंधे पर बैठ के बच्चे निकाले आपके सामने जी, एक एक बच्चे को कंधे पर बैठ के ट्रैक्टर में बैठाया। कितने बच्चे थे अंदर? अंदर कम से कम बच्चे थे 10 या 12 थे। 10-12 बच्चे थे, अध्यापक भी थे? कोई 3 अध्यापक थे सर। अब कैसे निकाला गया उनको जरा बताएं? कंधों पे बैठा के मैंने खुद ने निकाला, एक नगर निगम का ट्रैक्टर को रिक्वेस्ट करके उसे बुलाया,